सिलाई मशीन और जादुई सुई धागा। गंगा की तीन बेटियां थी, एक उसकी सगी बेटी सलोनी थी और दो उसकी सौतेली बेटी दीपा और रूपतारा थी। गंगा अपने तीनों बेटियों को एक समान प्यार करती थी। उसने कभी भी अपने तीनों बेटियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया। उसने जिस लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला, उसी लाड प्यार से उसने अपनी सौतेली बेटी को भी पाला। आज गंगा अपने जीवन के आखिरी पल गिन रही थी। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। बेटा, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरे जाने का समय हो गया है। मेरे मरने के बाद तुम तीनों बहनें मिलकर एक साथ प्यार से रहना, हमेशा एक दूसरे का साथ देना बेटा। इतना बोलकर गंगा इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है। उसकी तीनों बेटियों को अपनी माँ के जाने का बहुत दुख होता है। ऐसे ही समय बीतता है। सलोनी अपनी माँ की तरह ही सिलाई मशीन पर बैठकर लहंगा सिल रही होती है और उसकी दोनों सौतेली बहनें बैठकर गप्पे मार रही होती है। दीदी दीदी, सुबह से लहंगा सिलते सिलते कमर दुख गया है। दीदी, आप दोनों में से कोई आकर बाकी का काम कर दीजिए ना दीदी, मुझसे अब और काम नहीं हो रहा है। अच्छा, बोल तो ऐसे रही है जैसे सुबह से हम लोग खाली बैठे हैं। मैंने ऐसा कब कहा दीदी, मैं घर का काम कर दूंगी, आप थोड़ा सा इस लहंगे में तुरपाई कर दीजिए ना, ये अर्जेंट लहंगा है, कस्टमर को देना है। ये सब काम हमसे नहीं होगा। दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है, सुबह से ही मैं काम कर रही हूँ, दोपहर होने वाला है। तो क्या हुआ, एक ही बार में खा लेना, हमने तुम्हारा खाना निकाल कर रख दिया है। और हाँ, खाना खाकर ये सारे लहंगे बाजार में ले जाकर बेच देना। ठीक है दीदी, मैं पूरा काम खत्म कर लेती हूँ फिर खा लूंगी, उसके बाद बाजार चली जाऊंगी। उसके बाद सलोनी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने के बाद खाना खाने किचन में जाती है तो थाली देखकर कहती है, ये क्या, ये तो रात का बासी चावल है। सलोनी को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वो वही बासी भात खाकर बाजार में लहंगा बेचने चली जाती है। वो उधर सड़क के किनारे बैठकर लहंगा बेच रही होती है। इधर दोनों बहनें अपने लिए मटर पनीर और पूड़ी बनाती है। ओहो दीदी, वाह, क्या मटर पनीर बनाया है आपने, इसको खाकर तो मजा ही आ गया, वाह। खा ले दीपा, जल्दी जल्दी करके खाकर सब खत्म कर दे, वो मनहूस अब आती ही होगी, आज दिन में भी काम करने बासे चावल खाकर ही गई है, अभी आएगी फिर क्या खाएगी। अरे छोड़ो दीदी, कुछ होगा घर में तो खाएगी ना, हम उसे बोल देंगे कि हमने आज खाना बनाया ही नहीं, क्यों। अब उसे पता चलेगा कि बिना खाए पिए कैसे लगता है। इधर बाजार में सलोनी के अच्छे व्यवहार और उसका सुंदर सुंदर लहंगा का डिजाइन की वजह से उसका सारा लहंगा बिक जाता है, बस आखिरी का एक लहंगा बचता है। शुक्र है भगवान का, आज भी मेरा सारा लहंगा बिक गया, बस ये आखिरी का लहंगा बच गया है, कोई बात नहीं, इसे मैं कल बेच दूंगी। तभी एक बहुत ही गरीब लड़की सलोनी के पास आती है और कहती है, वाह वाह दीदी, आपका लहंगा कितना प्यारा है। बहन, तुम्हें ये चाहिए तो ले लो, बहुत ही सस्ती है और मैं तुम्हें इसे और भी कम दाम में दे दूंगी। नहीं नहीं दीदी, मैं इसे लेना तो चाहती हूँ और मेरी अगले महीने शादी भी है, लेकिन दीदी मेरे पास इसे लेने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं माँ की पुरानी साड़ी पहनकर ही ससुराल चली जाऊंगी। अरे बहन, ऐसा क्यों कह रही हो, तुम पुरानी साड़ी नहीं बल्कि मेरे हाथों का सिला हुआ ये खूबसूरत लहंगा पहनोगी, लो इसे तुम ऐसे ही ले लो, ले लो बहन। सच में दीदी, मैं इसे ले लूं? ठीक है दीदी, मैं इसे ले लेती हूं। लेकिन दीदी, मैं आपको ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगी, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ दीदी, आप मेरा ये सुई धागा रख लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आएगी। दीदी, आपको देखकर लगता है आपको बहुत तेज भूख लगी है, आप इस सुई धागा से कहना कि वो आपको खाना दे दे, वो आपको खाना दे देगा। क्या, सच में बहन, ये मुझे खाना देगा? अरे दीदी, आप इसे जो भी मांगोगी ये आपको वो सब देगा, अब जाइए जल्दी से घर जाइए, वरना ज्यादा रात हो जाएगी। सलोनी खुशी खुशी घर आ जाती है। दीदी ये देखो, आज मेरे सारे लहंगे बिक गए और ये रहे आज के 6 लहंगों के पैसे। 6 लहंगे क्यों, तुम्हें तो हमने 7 लहंगे देकर भेजा था ना, फिर 1 लहंगे का पैसा कहाँ है? दीदी, वो उस लहंगा का पैसा तो। अच्छा, महारानी उस पैसे को बाजार में उड़ा कर आ गई है ना, बता क्या किया तूने उन पैसों का? दीदी, वो बाजार में एक बहुत ही गरीब लड़की आई थी, उसकी शादी थी और उसके पास लहंगा खरीदने के पैसे नहीं थे। अच्छा, तो तूने उस लड़की को लहंगा दान में दे दिया, बहुत दानवीर समझती है तू खुद को। नहीं नहीं दीदी, उसने लहंगा मुफ्त में नहीं लिया, उसने लहंगे के बदले मुझे ये सुई धागा दिया है। अच्छा तो फिर ठीक है, अब इसे सुई धागे से जाकर अपना मुंह सिलकर सो जा, मैंने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है।
ये सुनकर सलोनी उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। माँ, मैं अपनी दोनों दीदियों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो दोनों तो मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी सलोनी को उस लड़की की बात याद आती है। हे जादुई सुविधा का, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। सलोनी के इतना कहते ही वहाँ पर काफी सारा खाना आ जाता है। इतना सारा खाना, चलो मैं अपनी दोनों दीदी को भी बुला लाती हूँ। सलोनी जब उन्हें बुलाने जा ही रही होती है, तभी दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती है। अच्छा हुआ उस मनोज को अभी कुछ भी नहीं पता चला कि हमने मटर पनीर और पूड़ी बनाकर खाया है। ये सुनके सलोनी वापस से अपने कमरे में चली जाती है और फिर अकेली ही बड़े मजे से सारा खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही अगले दिन राज्य में घोषणा होती है। सुनो सुनो सुनो, आज राज्य में राजकुमारी राजनंदिनी की शादी है और इसी उपलक्ष्य में गांव के सभी लोगों को महाराज ने शाही दावत में आने का निमंत्रण दिया है। सभी लोग इस दावत में जरूर आए। दीदी, आपने सुना राजमहल से आमंत्रण आया है, कितना मजा आएगा वहाँ। वहाँ तो कई राज्यों से अलग अलग राजकुमार भी आए होंगे। हाँ, हम दोनों बहनें अच्छे से तैयार होकर राजमहल में जाएंगे, शायद हम दोनों में से किसी को कोई राजकुमार पसंद कर ले। ये सुनकर सलोनी कहती है। दीदी, आप लोगों के साथ मैं भी राजमहल में जाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगी? बस जरा सा इसे घूमने के लिए कह दो, महारानी उछल पड़ती है। ए, अगर तू वहाँ जाएगी तो इतने सारे लहंगे यहीं रखे हैं, उसे कौन से लेगा और घर का काम कौन करेगा? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? दीदी चलो अब जल्दी से हम जाने की तैयारी करते हैं। उसके बाद दोनों ही बहनें सभा में जाने की तैयारी करने में लग जाती है और सलोनी उदास होकर अपने कमरे में जाती है। अपनी बहन के जाने के बाद सलोनी कहती है। पता है सुई धागा, मेरा भी राजकुमारी जी की शादी देखने का बहुत ही मन है। अगर मेरे पास भी अच्छे कपड़े होते और गहने होते तो मैं भी अच्छे से तैयार होकर सभा में जाती। अगर मेरे पास भी ये सब होता तो। तभी वहाँ पर सुंदर सुंदर कपड़े और मेकअप का सारा सामान आ जाता है। अरे ये क्या, ये सब मेरे लिए है? जादुई सुई धागा, तुमने मेरे लिए ये किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई सुई धागा। उसके बाद सलोनी अच्छे से तैयार होकर वो भी उस रात सभा में आती है और राजकुमारी की शादी होता देखती है। तभी सभी लोग सलोनी को देखकर कहते हैं, अरे देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है, जरूर ये किसी राज्य की राजकुमारी होगी। तभी सलोनी की दोनों बहनों की नज़र भी उस पर जाती है। अरे दीदी ये देखो, ये मनहूस तो सलोनी ही है। अरे पागल हो गई है क्या, इसका रूप जरूर सलोनी से मिलता है, लेकिन ये सलोनी नहीं है। इसके कपड़े देखो, ये तो किसी राज्य की राजकुमारी लग रही है। तभी मंत्री आकर कहते हैं, आप सभी को राजकुमार गौरव का आदेश है, आप सभी भोज सभा में जाकर भोजन कर लीजिए। जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तभी राजकुमार गौरव की नज़र सलोनी पर जाती है। अरे ये मनमोहक नैन वाली अफसरा से दिखने वाली राजकुमारी कौन है? अरे मोहतरमा, शादी कैसी लगी, सब कुछ अच्छा तो है ना? जी जी राजकुमार, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और मैं? क्या क्या मतलब आपका राजकुमार? देखिए, एक ही नज़र में मुझे आपको देखते ही प्रेम हो गया और मैं आपको अपने राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये तो मेरा सौभाग्य होगा राजकुमार, लेकिन मैं एक बहुत ही गरीब घर से आती हूँ। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम आज इस सभा में ये ऐलान करते हैं कि हम सलोनी से अगले ही हफ्ते शादी करेंगे और आप सभी लोगों को हमारी शादी में फिर से सादर आमंत्रित किया जाता है। ये सुनकर सलोनी की दोनों बहनें हक्की बक्की रह जाती है। दीदी ये फटीचर तो हमारी ही छोटी बहन है, लेकिन ये यहाँ आई कैसे और इसके पास इतने अच्छे कपड़े आए कहाँ से? दीदी मैं आपको बताने ही वाली थी, ये सब मेरे जादुई सुई धागा का कमाल है। अब घर चली दीदी, हमें घर चलकर शादी की तैयारी भी तो करनी है। उसके बाद तीनों बहनें घर चली जाती है। कुछ दिन बाद ही सलोनी की शादी राजकुमार के साथ हो जाती है और वो रानी बनकर महल में ठाट से जिंदगी बिताने लगती है और उसकी दोनों बहनें अपने जलन और ईर्ष्या की वजह से हमेशा सलोनी को देख देख कर जलती रहती है। मायके से प्यारा ससुराल और सास। कंचन जब एक साल की थी तभी उसकी माँ उसे इस दुनिया में छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद उसके पिता राम सागर ने कंचन की देखरेख के लिए रूपति नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। शुरू शुरू में तो रूपति कंचन का ख्याल रखने का दिखावा करती है, लेकिन कुछ सालों बाद ही वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है।
माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ तब से मेरा जीना दुश्वार कर दिया है इस लड़की ने। कभी ये दे दो तो कभी वो दे दो, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। ए लड़की इधर आ और कान खोलकर मेरी बात को सुन, मैं कोई तेरी नौकरानी नहीं हूँ, इसलिए तू मुझसे कुछ भी करने को नहीं कहेगी। और हाँ, आज से घर का सारा काम तू करेगी, उसके बाद ही तुझे खाने को मिलेगा, समझी? पर माँ मुझे तो घर का कोई काम नहीं आता है। जब पेट में खाना नहीं मिलेगा तब अपने आप ही तुझे सब काम आ जाएगा। अब जा और जाकर घर के झूठे बर्तन धो, समझी? हाथी जैसी बढ़ती जा रही है लेकिन काम नहीं आता महारानी को। कंचन रोते रोते बर्तन धोने लगती है, तभी उधर से राम सागर आता है। अरे रूपती, ये सब क्या है, तुम कंचन से काम क्यों करा रही हो? आपको घर के काम में बोलने की जरूरत नहीं है जी, मैं जो भी कर रही हूँ इसी के भले के लिए ही कर रही हूँ। बेटी है, अभी से घर का काम नहीं करेगी तो घर संभालना कैसे सीखेगी? आखिर इसे दूसरे घर में जाकर यही सब तो करना है। यहाँ आप तो बैठा कर रख लोगे इसे घर में, लेकिन वहाँ पराए घर में जाएगी तब ताने तो मुझे ही सुनने को मिलेंगे ना। सोतेली ही सही, लेकिन मैं भी माँ ही हूँ इसकी। वो सब ठीक है लेकिन अभी वो बच्ची है, उससे ज्यादा काम मत करवाओ। अच्छा सुनो, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, कुछ महीने बाद आऊँगा, तब तक कंचन का ख्याल रखना। इतना बोलकर राम सागर चला जाता है। और राम सागर के जाते ही रूपती का व्यवहार कंचन के प्रति और भी क्रूर हो जाता है। वो कंचन को पूरे दिन में एक भी पल उसे चैन से नहीं बैठने देती, और अगर उसे गलती से भी किसी काम में कोई कमी हो जाती तो उसे बहुत मारती। एक दिन गलती से कंचन से रूपती की साड़ी जल जाती है। ये देखकर रूपती गुस्से से उसे गर्म प्रेस से उसका हाथ जला देती है। अरे कंचन बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारी पसंद का पिंक सूट। अरे बेटा, ये तुम्हारे हाथों में क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, बस खाना बनाते वक्त जरा सा जल गया था। ये सुनकर राम सागर गुस्से में रूपती को आवाज लगाता है। रूपती रूपती, ये सब क्या है, तुम मेरी फूल सी बच्ची से घर का सारा काम करवाती हो? अच्छा तो अब ये मनोज आपके आते ही मेरे खिलाफ आपको भड़काने लगी? अरे करमजली, सच सच बता, मैंने तेरा हाथ जलाया है क्या? नहीं नहीं पापा, माँ का इसमें कोई दोष नहीं है, जाने दीजिए ना पापा। हाँ हाँ, बाप के सामने कैसे सती सावित्री बनने की कोशिश कर रही है। अरे मैं तो तंग आ गई तुम्हारी बेटी से, एक घर का काम बोल दो तो कभी हाथ जला लेती है तो कभी खाना जला देती है, बस इसे तो घूमने के लिए छोड़ दो। अरे पूरे गाँव के लोग थू थू कर रहे हैं इस पर। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। देखो जी, सोतेली ही सही लेकिन मैं भी माँ हूँ इसकी, जो भी कहूँगी इसके भले के लिए ही कहूँगी, इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं है। मैं तो कहती हूँ हमारी नाक कटे, इससे पहले ही कैसा भी लूला लंगड़ा लड़का देखकर इसकी शादी करवा दो। माँ मैंने आखिर आपको क्या बिगाड़ा है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मनोज अभी बताऊँ क्या तेरे बाप को तेरे कारनामे? चुप हो जाओ तुम दोनों और अपने कमरे में जाओ। राम सागर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो एक अच्छे घर में रिश्ता देखकर अपनी बेटी की शादी करा देता है। शादी के बाद विदाई के समय जब कंचन अपनी माँ से मिलने जाती है। माँ मैं इस घर से जा रही हूँ, आपने आज तक मुझे जो भी प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। बस बस अब ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से और खबरदार जो दोबारा इस घर में कदम भी रखा तो। इतना बोलकर रूपती गुस्से से उसे धक्का देती है, लेकिन तभी कंचन का पति कैलाश वहाँ आता है। अरे कंचन क्या हुआ, तुम अचानक गिर कैसे गई? कुछ नहीं जी, वह जरा सी मेरी सैंडल कलट गई थी। कंचन रोते रोते अपने पति के साथ अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में कंचन के सास तारावती अपनी नई बहू का बहुत ही अच्छे से घर में स्वागत करती है और उसे गिफ्ट में सोने का हार देती है। ये ले बहू, ये हमारे घर की खानदानी जेवर है, ये मेरी तरफ से तेरे मुंह दिखाए का तोहफा है, आज से ये घर तुम्हारा है बेटी, और हम सब भी अब तुम्हारे अपने हैं। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। अब तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो बेटी, माँ की रस्में फिर करेंगे। शुक्रिया माँ जी। उसके बाद कंचन अपने कमरे में आराम करने लगती है, और कब दोपहर के 12 बज जाता है उसे पता भी नहीं चलता। वो जल्दी से हक बका कर उठती है। हे भगवान, ये क्या हुआ, मेरी पहली रसोई है और मैं दिन के 12 बजे तक सो रही हूँ, अब तो माँ जी मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगी। कंचन जल्दी से बाथरूम की तरफ जाती है, तभी बाथरूम से कैलाश नहाकर बाहर आ रहा होता है और दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तभी उधर से तारावती भी आ जाती है। अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो, कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेते। माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हम बस ऐसे ही टकरा गए थे। कोई बात नहीं बेटे, अभी ही तो तुम्हारे दिन है खेलने कूदने के,
अच्छा अब तुम दोनों जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं कैसे पर सुबह मेरी आँख ही नहीं खुली। कोई बात नहीं बेटी, शादी की थकान की वजह से नींद नहीं खुली होगी। अपनी सास की बात सुनकर कंचन की आँखों में आंसू आ जाता है। अरे माँ जी ने तो मुझे डांटा तक नहीं, लेकिन अगर वही मेरी माँ होती तो। अरे ओ महारानी, सुबह के 8 बज गए हैं, घर का काम कौन करेगा, तेरी मरी हुई माँ। माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार सा लग रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगी, सब अच्छे से जानती हूँ तेरे ड्रामे को। अरे रुकते बस भी करो, आखिर तू मेरी बेटी पर कितना जुल्म उठाओगी। अरे मैं जो भी कर रही हूँ इसके भले के लिए ही कर रही हूँ, कल को ये ससुराल जाएगी और वहाँ ऐसे ही 9 बजे तक सोती रहेगी तो क्या वे लोग इसे ऐसे सोने देंगे। देखना कुछ ही दिनों में हमारे घर आकर हमारे ही गले पड़ेगी, फिर बैठा कर रखने से जिंदगी भर अपने घर में। ये सोचकर कंचन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी कैलाश उससे कहता है, अरे कंचन क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम, अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। उसके बाद कंचन तैयार होकर नीचे आती है जहाँ उसकी सास उसकी नजर उतारती है। आ थू 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 थू, मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे, आ मेरी प्यारी बहू आ खाना खा ले। वो सब मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद कंचन सबका प्लेट उठाने लगती है, तभी गलती से कंचन से एक प्लेट छूटकर टूट जाता है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती से हो गया, प्लीज माँ जी। अरे बहू शांत हो जाओ, क्या हो गया, एक बर्तन ही तो है, टूट गया तो टूट गया, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है। माँ जी सच में मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, माँ जी मुझे मत मारिए, मुझे माफ कर दीजिए। अरे करम जली, तूने मेरा नया कप तोड़ दिया, कहाँ ध्यान रहता है तेरा, लगता है तो ऐसे नहीं सुधरेगी। रुपती आग से जलती हुई लकड़ी लेकर कंचन के हाथ पर लगा देती है। कंचन जोर जोर से चिल्लाती है, मत चलाइए माँ, मुझे मत चलाइए। कैलाश कंचन को गले से लगा लेता है। क्या हुआ कंचन, तुम्हें कौन चला रहा है। बहू क्या हुआ, मुझे बता बेटा क्या बात है। माँ जी मुझसे एक बार ऐसे ही किसी का कप गिरकर टूट गया था तो उसने मुझे चला दिया था। ऐसा आखिर कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है। बहू हम तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बेटा तू इधर आ मेरे पास, ऐसे डरते नहीं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तारावती अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी, वो उसे उसकी किसी भी गलती पर डांटती नहीं थी बल्कि उसे प्यार से समझाती थी। तारावती जब भी बाजार जाती तो अपनी बहू के लिए जरूर से कुछ लेकर आती। अपनी सास का ऐसा प्यार देख कंचन की आंखें खुशी की अंशु से भीग जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन तारावती कंचन की पसंद की खीर बनाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। ये देखकर कंचन मारे खुशी के रोने लगती है। अरे बेटी क्या हुआ, तू रो क्यों रही है। बेटी जब भी मैं तुझे प्यार करती हूँ तेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आखिर क्या बात है बेटी, कहीं इस घर में तुझे कोई परेशानी तो नहीं, अपनी माँ समान सास से नहीं बताएगी। नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है, आप तो माँ के रूप में ममता के सागर है माँ, माँ का असली मतलब तो मुझे आपसे मिलकर ही पता चला। तभी दरवाजे पर दूध वाला आता है। माँ जी मैं दूध लेकर आती हूँ। कंचन जैसे ही दूध लेने जाती है दूध वाली की नीयत कंचन को देखकर खराब हो जाती है और वो इधर उधर देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे मेरी रसमलाई जरा मेरे पास तो आ। छोड़ो छोड़ो मुझे। तभी तारावती वहाँ आ जाती है। तारावती को देखते ही दूध वाला जल्दी से कहता है, अच्छा वो माँ जी आप आ गई, देखिए ना माँ जी आपकी बहू मेरा हाथ पकड़ रही है। तभी तारावती दूध वाले को जोरदार थप्पड़ मारती है। अरे हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहू पर इल्जाम लगाने की, एक तो मेरी बहू को छेड़ता है और ऊपर से इल्जाम लगाता है, ये ले। तारावती उसे बहुत मारती है। अब जल्दी से मुंह छुपाकर निकल जाए यहाँ से, और अगर दोबारा इस गली में दिखाई भी दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने ऊपर अपनी सास का ऐसा भरोसा देखकर कंचन रोने लगती है और अपनी सास के गले लग जाती है। आप बहुत अच्छी हो माँ जी, आपने मुझ पर भरोसा किया, वरना माँ तो। माँ जी आप हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि आपका ज्यादा प्यार पाकर हमेशा मेरी आंखें नमकीन हो जाती है। माँ जी जिस प्यार के लिए मैं बचपन से आज तक तड़पती रही वो प्यार मुझे अपने ससुराल आकर मिला है। माँ जी मेरी सौतेली माँ ने मुझे कभी माँ का प्यार नहीं दिया, उन्होंने हमेशा मुझ पर अत्याचार किया। जैसे आज इस दूध वाले ने हरकत की ऐसे ही मेरे यहाँ के दूध वाले ने भी मेरे साथ किया था, लेकिन माँ को उसे गलत ठहराने की जगह मुझे ही बचलन बोलकर जलील करने लगी। कोई बात नहीं बहू, आज से मैं ही तेरी माँ हूँ, जो भी हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ बहू और अब से नई शुरुआत करो। बेटी ये तुम्हारा अपना घर है और यहाँ बिना किसी संकोच के जी खोलकर अपनी जिंदगी जियो।
सास के इस तरह समझाने से कंचन के अंदर का डर खत्म हो जाता है और वो अपने ससुराल में एक बहुत ही खुशहाल जीवन गुजारने लगती है। बिरजू अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहा करता था और कई सालों से मोहनपुर गांव में बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से गांव के सभी किसानों के जमीनों पर सूखा पड़ गया था और उनके खेतों में कोई भी फसल नहीं उग पा रही थी, जिस वजह से बिरजू के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है और वो अक्सर इसी बात को लेकर परेशान रहा करता था और लक्ष्मी भी उसे इसी बात को लेकर अक्सर ताने मारा करती थी। ऐसी ही आज भी, अरे लक्ष्मी ये क्या है, तुम रोज रोज खाने में ये सूखी रोटी और अचार क्यों देती हो, मैं तो ये खाना खा खा कर पक चुका हूँ, कभी तो तुम कुछ नया बना दिया करो। अच्छा जी, अब तुम्हें रोज रोज नई तरीके का खाना चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ पैसे तो रोज कमा कर लाओ। यहाँ इतने सालों से तो तुम्हारे गांव में सूखा पड़ा है, ना कोई फसल उगी है और ना ही कोई घास, इसलिए तो शुक्र करो जो तुम्हें ये सूखी रोटी तो नसीब हो रही है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सारी गलती तो मेरी ही नसीब की है ना, जो दिन रात खेतों में जाकर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो बस दिन भर घर में बैठकर मुझे ताने मारने होते हैं। देखिए अब बस बहुत हो गया, अब आप चुपचाप से खाना खाइए और जाइए यहाँ से। ठीक है मैं जा रहा हूँ, वैसे भी तुम्हारे इस रोज रोज के तानों से मेरा पेट वैसे ही भर जाता है, इसलिए अब तुम ही खाओ अपना ये खाना। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है और अपने खेतों में जाकर काम करने लगता है और काम खत्म करने के बाद जब वो पहाड़ी के किनारे वाले नदी के पास अपना मुंह धोने जाता है, उसी समय वहाँ पर किशोर नाम का एक आदमी आता है और अपने घर का कूड़ा कचरा उस नदी में फेंक कर वहाँ से जाने लगता है। तभी बिरजू उससे कहता है, अरे किशोर भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इस तरह नदी को गंदा क्यों कर रहे हो, वैसे भी हमारे गांव में कितने सालों से बारिश नहीं हुई है, तो बस ये नदी का पानी ही तो है जिससे हम लोगों का थोड़ा बहुत गुजर बसर हो रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब इस नदी का पानी भी पीने लायक नहीं बचेगा। अरे भाई बिरजू मैं अकेला ही थोड़ी ना हूँ जो इस नदी में कूड़ा कचरा फेंक रहा हूँ, तो आखिर मुझे अकेले को समझा कर क्या फायदा, जाओ पहले गाँव के दूसरे लोगों को समझाओ फिर मुझे समझाना। इतना कहकर किशोर वहाँ से चला जाता है। तभी बिरजू कहता है, हे भगवान पता नहीं इन गांव वालों का क्या होगा। इतना कहकर बिरजू भी अपने घर वापस चला जाता है और जब अगले दिन बिरजू वापस अपने खेतों पर काम करने जाता है और काम खत्म करने के बाद वो फिर से उसी नदी के पास हाथ मुंह धोने जाता है, लेकिन उस दिन उस नदी को इतना ज्यादा गंदा देखकर बिरजू कहता है, हे राम इन गांव वालों ने तो इस नदी को पूरी तरह से गंदा कर दिया है, अब भला इसमें कोई अपना हाथ मुंह कैसे धो सकता है, लगता है अब घर जाकर ही मुझे अपना हाथ मुंह धोना पड़ेगा। इतना कहकर बिरजू जब वापस जा रहा होता है, उसी समय उस नदी के पास बैठी एक बूढ़ी औरत उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे सुनो बेटा क्या बात है, तुम इस तरह बिना हाथ मुंह धोए वापस क्यों जा रहे हो। अरे आप कौन हो और आप यहाँ कब आई, मैंने तो आपको यहाँ आते हुए देखा ही नहीं। अरे ये सब छोड़ो बेटा, तुम ये बताओ क्या तुम इस नदी को साफ कर सकते हो, इसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज दूंगी। अरे अम्मा मैं भला आपसे क्या मांग सकता हूँ, और रही बात इस नदी को साफ करने की, तो ठीक है मैं अभी इस नदी को साफ कर देता हूँ। इतना कहकर बिरजू नदी के अंदर जाता है और उस नदी का सारा कूड़ा कचरा बाहर निकाल देता है और उसे पूरी तरह से साफ कर देता है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, ये लो बेटा अब तुम इन मोतियों को इस नदी के अंदर डाल दो। अरे अम्मा भला इन मोतियों को इस नदी के अंदर डालने से क्या होगा। अरे बेटा तुम एक बार डालो तो सही, तुम्हें इसका जवाब अगले दिन जरूर मिलेगा। और इस तरह बिरजू उस बूढ़ी औरत की बात मानकर उन सारे मोतियों को लेकर उस नदी के अंदर डाल देता है और फिर वहां से अपने घर वापस आ जाता है, और उसके घर आते ही लक्ष्मी उससे कहती है, अरे ये क्या, यहाँ इतने सालों से गांव में बारिश नहीं हुई है, तो फिर आप कौन से बारिश में भीग कर आ रहे हो। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर बिरजू उसे सारी बातें बता देता है, जिसके बाद लक्ष्मी कहती है, अरे यहाँ अगर आपको ज्यादा देर तक खेतों में काम करना पड़ जाए तो आपकी नानी याद आ जाती है, लेकिन यहाँ गांव भर के नदी नाले साफ करते हुए घूम रहे हो तब आपको थका नहीं हो रही है। अरे अब तुम फिर शुरू हो गई, चलो जाओ और अपना काम करो। इतना कहकर अगले दिन जब बिरजू फिर से उस नदी के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके फेंके हुए मोती सोने की मोतियों में बदल जाते हैं, और ये देखकर बिरजू हैरान हो जाता है और कहता है, हे भगवान ये कैसा चमत्कार है,
इतने सारे सोने की मोतियाँ, लेकिन ये तो कल तक एक साधारण मोतियाँ थी। बिरजू के इतना कहते ही अचानक से उस नदी में से एक सुंदर सी जल परी बाहर निकलती है, जिसे देखकर बिरजू घबराते हुए कहता है, अरे तुम कौन हो और इस नदी में क्या कर रही हो? घबराओ मत बिरजू, मैं इस नदी की जलपरी मेघा हूँ। दरअसल इन गांव वालों ने हमारी इस नदी को पूरी तरह से गंदा कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे जल लोक के आधे से ज्यादा मछलियों की जान जा रही थी। इसलिए जब मैंने तुम्हें उस दिन इस नदी के परवाह करते हुए देखा तो मुझे समझ आ गया कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम हमारी इस नदी को साफ करने में हमारी मदद कर सकते हो। इसलिए मैंने कल उस बूढ़ी औरत का रूप लेकर तुमसे इस नदी को साफ करवाने का काम किया और मुझे ये भी पता है कि तुम भी इस समय बहुत ज्यादा तकलीफों से गुजर रहे हो। इसलिए आज से तुम इस जादुई नदी में से जितने चाहे सोने की मोतियाँ ले जा सकते हो और अपने घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हो। जल परी की ये सब बातें सुनकर बिरजू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो उस जादुई नदी में से ढेर सारे सोने की मोतियाँ लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी लक्ष्मी को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद लक्ष्मी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उन सोने की मोतियों को बेचकर बिरजू अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल देता है और अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को एक बड़े से मकान में बदल देता है, जिसके बाद से बिरजू की जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है और उस दिन के बाद से वो हर रोज जाकर उस नदी की हमेशा सफाई